गुड मॉर्निंग क्लास पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वॉट इज़ डेटा हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग है क्या डेटा हैंडलिंग इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ डेटा होता है अनऑर्गनाइज तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का डेटा हो सकता है फ्रूट्स के बारे में हो सकता है वेजिटेबल्स की जानकारी हो सकती है आपके शूज़ कितने हैं आपके पास उसकी आपके पास कितने तरह के टॉयज़ हैं या आपने अपने बर्थडे में किस किस कलर के बलून्स लगाए हैं कितने कोई भी डेटा हो सकता है हमारा उसे हमें उसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है ऑर्गेनाइज करके उसे हम टेबल्स में या ब्लॉक्स में रखते हैं आपको मैंने उसके बारे में बताया था और उसकी आपकी एक्सरसाइज भी कराई थी आज आपकी बुक में उसी से रिलेटेड वर्कशीट है जिसमें दो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मैंने एक्सरसाइज इसमें कराई थी उसमें आपको डेटा ऑर्गेनाइज़ किया खो डेटा को ऑर्गेनाइज करके सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे इसमें आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करके ब्लॉक चार्ट भी बताना है मैं आपको बताऊंगी वो ब्लॉक चार्ट आप कैसे बनाएंगे और इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे दैट क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन पर की ओर आते हैं वर्कशीट के अर्पिता वॉन्टेड टू नो द मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट कम्यूनिटिंग टू स्कूल शी प्रिपेयर अ टेबल एशोन बिलो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा हैंडलिंग इज अ बेसिकली तो यहाँ पे अर्पिता जो है जानना चाहती है कि उसके स्कूल के जो बच्चे हैं वो किस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल आने के लिए बच्चे तो अलग अलग तरह से स्कूल आते हैं कोई कार से कोई बाइक से कोई स्कूल बस से कोई पैदल है ना कोई स्कूटर से तो अच्छे तो अलग अलग मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अ पिता जानना चाहती है कि बच्चे किस किस ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो उसने फोर मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट लिख लिए कार बस वॉकिंग एंड बाइक और उसने अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछा कि हमने स्टूडेंट कम बाई कार तो जितने बच्चों ने हाथ खड़े किए उसको उसने काउंट किया तो सेवन स्टूडेंट्स कार से आते हैं फिर बस ट्वेल्व तो स्टूडेंट बस से आते हैं वॉकिंग यानी पैदल दो ही बच्चे आते हैं बाइक से एट बच्चे आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई अब प्रिपेयर अ ब्लॉक चार्ट फॉर द अबव डेटा अब नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो पहले हमें इसका ब्लॉक चार्ट बनाना है ब्लॉक चार्ट जो मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूं कि ब्लॉक चार्ट कैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस साइड और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पिता ने लिखा था कार दूसरा था बस तीसरा था वॉकिंग लास्ट बाइक पिता ने टेबल के थ्रू पता लगाया था कि कार से से सेवन बच्चे बस से ट्वेल्व वॉकिंग टू बाइक से एट अब जो हम ब्लॉग बनाएंगे यानी कार से सेवन यहाँ पे सेवन ब्लॉक्स बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया देन बस से ट्वेल्व तुम यहाँ पे ट्वेल्व बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व वॉकिंग टू दो ही ब्लॉक्स बनाएंगे बाइक से एट तो हम एट बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ब्लॉक चार्ट बन के तैयार हो गया हमारा आपको भी इसी तरह से इस तरह का ब्लॉक चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है अब क्वेश्चंस के आंसर्स दे भी देने हैं विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लीस्ट यूज बाय द स्टूडेंट सबसे कम कौन सा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बच्चे इस्तेमाल करते हैं मैं जवाब नहीं बता रही आपने जब ब्लॉग बना लिया और क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको आसानी से पता लग गया होगा कि कौन सा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं और आप आंसर यहाँ लिख लेंगे कॉपी में विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक सबसे ज़्यादा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यानी सबसे ज़्यादा किस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट से बच्चे स्कूल आते हैं इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा हाउ मेनी स्टूडेंट कम टू स्कूल बाई बाइक बाइक से कितने बच्चे स्कूल आते हैं इसका भी जवाब आपको मिल गया ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मुफ टू सेकेंड क्वेश्चन शूज साइज ऑफ वेर स्टूडेंट्स आर गिवेन बिलो ये कुल कितने स्टूडेंट्स हैं पहले हम ये काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन टोटल एटीन स्टूडेंट्स हैं इनके शूज़ का साइज है यानी एक एक स्टूडेंट से उसके शूज़ का साइज पूछा गया तो उस किसी ने बताया थ्री किसी ने बताया फोर किसी ने टू और किसी ने फाइव यानी यहाँ पे फोर तरह के शूज़ का साइज है टू थ्री फोर एंड फाइव इसे कह रहे हैं इसे अकॉर्डिंग टू साइज़ पहले सॉर्ट आउट कीजिए और प्रिपेयर अ ब्लॉक चार्ट तो सबसे पहले तो हमें इसे टेबल में करना होगा कि कितने बच्चे थ्री नंबर के शूज़ पहनते हैं कितने बच्चे टू नंबर के कितने फोर नंबर के और कितने फाइव नंबर के शूज़ पहनते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम करेंगे तो टू थ्री फोर एंड फाइव चलिए पेज पे लिखा हुआ है मैं आपको इसे भी करके बताती हूँ कि आप इसे ब्लॉक चार्ट कैसे बनाएंगे ओके तो शूज साइज ऑफ वेरियस स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ शूज टू थ्री फोर फाइव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ एक एक करके एक एक साइज को देखूंगी और उस साइज वाले में उसे टिक कर दूंगी जैसे थ्री so, वन कर दिया एन थ्री फिर वन फोर वन अगेन थ्री वन फोर वन टू अगेन थ्री टू 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 थ्री 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू सिक्स हो गया देन टू अगेन टू फिर से थ्री फोर फोर लास्ट फाइव मैंने बोला था एटीन उसमें पहले हम देखते हैं मैंने एटीन टिक किए कि नहीं किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन मैंने एटीन टिक्स कर लिए अब जब मैंने इसे टिक कर लिया तो मुझे पता है कि साइज़ ऑफ शूज़ यानी टू नंबर वाले कितने स्टूडेंट पहनते हैं शूज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बच्चे थ्री नंबर का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर नंबर का वन टू थ्री फोर और फाइव नंबर का वन जब हमारा इस तरह से टेबल बन जाता है तब इसे हमें बनाना है ब्लॉक चार्ट तो फिर हम यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ शूज यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब फिर से हम यहाँ पिछे असेंडिंग ऑर्डर में टू थ्री फोर फाइव अब जब हमारे पास ब्लॉक टिक बना हुआ है तो टू में मुझे कितने ब्लॉक्स बनाने होंगे सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री में सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर में फोर वन टू थ्री फोर फाइव नंबर में ओनली वन क्लियर ये दोनों ही वर्कशीट आपको मैंने समझा दी हैं बता भी दी बना के इसे आप खुद से अपनी कॉपी में बनाएँगे थैंक यू